नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भूमिका। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की गुहार पर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। सरकार ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर के IPS अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने कहा कि निचली अदालत में इस मामले के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ के खिलाफ IPC की धारा के तहत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वहीं निचली अदालत ने 18 मार्च को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय भी कर दिए। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। उनमें इनके पेरेंट्स, भाई, चाचा और बॉयफ्रेंड भी शामिल हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुकदमा चल रहा है और सबूत जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए CCTV फुटेज निचली अदालत में सपोर्ट के तौर पर रखे हैं। दरअसल उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने CBI जांच की मांग की है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। पीड़ित परिवार ने अपनी याचिका में कहा है कि वे SIT की जांच से संतुष्ट नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन परिवार ने उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साफ कहा गया कि सरकार ने जिस SIT का गठन किया उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।